नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं livecities.in। जमुई के डीएम धर्मेंद्र कुमार अपनी पत्नी वत्सला सिंह से तलाक लेना चाहते हैं। इस बाबत जो खबरें हैं आपको हमने पहले भी लाइव सिटीज पर दिखाई थी, तब जब वत्सला सिंह खुद जमुई डीएम के सरकारी आवास के बाहर दिन भर जमुई डीएम से मिलने का इंतज़ार करती रहीं, उन्हें डीएम साहब के घर के अंदर जाने नहीं दिया गया। वो ठंड में ही अपने माताजी के साथ बाहर खड़ी रहीं और उन्हें ना तो बैठने की कुर्सी दी गई थी, ना ही ठंड से बचने के लिए कोई कंबल वगैरह, ना ही वॉशरूम तक यूज़ करने के लिए दिया गया था। ये बिहार में एक बड़ी खबर बनी थी जब जमुई के डीएम की पत्नी को जमुई के डीएम के सरकारी आवास के अंदर में जाने नहीं दिया जा रहा था। तब जो जिला प्रशासन ने समझा कर बुझा करके जो वत्सला सिंह हैं उनको अपने जिले से, उस जिले से, जमुई जिले से तड़ी पार किया था। तब बताया गया था कि धर्मेंद्र कुमार जो हैं जिलाधिकारी वहां के, वो छुट्टी पर हैं और जब वो वापस काम पर लौट आते हैं तब वत्सला सिंह को पटना से जमुई बुला लिया जाएगा। लाइव सिटीज आपको एक बड़ी खबर दे रहा है। बड़ी खबर ये है कि जमुई के डीएम धर्मेंद्र कुमार ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और जिला प्रशासन ने जिस तरीके से अब एक वायदा किया था वत्सला सिंह से कि जब डीएम साहब वापस ड्यूटी पर आ जाते हैं तब उन्हें बुलवा करके उनसे मिलवा दिया जाएगा, उनसे 1-to-1 करवा दिया जाएगा। दो दिन हो चुके हैं, दो दिन से डीएम धर्मेंद्र कुमार अपनी ड्यूटी पर आ चुके हैं, जो जिलाधिकारी कार्यालय है जमुई का वहाँ आ चुके हैं, मगर अब भी पटना में वत्सला सिंह को इंतज़ार इस बात का है कि कब जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें बुलावा आता है। हम बताते चलें कि ये एक हाई प्रोफाइल तलाक का मामला है जिसमें कि डीएम साहब खुद जो है अपनी तरफ से अपनी पत्नी वत्सला सिंह से तलाक चाहते हैं। हालांकि बाद में वत्सला ने कई बार मीडिया से बात करते हुए इस बात को कहा है कि वो डीएम साहब के साथ रहना चाहती हैं, वो अलग नहीं होना चाहती हैं, वो उन मुद्दों पर भी पीछे हटने को तैयार हैं, झुकने को तैयार हैं जो कि डीएम साहब जो शिकायत उनकी रही है। अब जो है एक बात तो स्पष्ट हो चुका है कि वत्सला खुद झुकने को तैयार है, चीज़ों को एडजस्ट करने को तैयार है, डीएम साहब के साथ रहने को तैयार है। तो अब जो है लाइव सिटीज के पटना न्यूज रूम से हम बड़ा सवाल जमुई के जिला प्रशासन पे ये उठा रहे हैं कि जब डीएम धर्मेंद्र कुमार वापस अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर चुके हैं तो अब आधिकारिक तौर पे वत्सला सिंह यानी कि उनकी पत्नी को पटना से जो जमुई का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये वापस बुला के दोनों के बीच में एक संवाद क्यों नहीं करा देता है। तो लाइव सिटीज वो आपको ये खबर दे रहा है कि डीएम धर्मेंद्र कुमार, जमुई के डीएम जो है धर्मेंद्र कुमार, ये अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं और अब पटना में उनकी पत्नी वत्सला सिंह को इस बात का इंतजार है कि जो जमुई का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको मिलने के लिए बुलावा भेजे, क्योंकि जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उस दिन उसने आश्वासन दिया था दिन भर जब वत्सला जमुई डीएम के सरकारी आवास के बाहर में बैठी रहीं, उन्हें कुर्सी तक नहीं दी गई, उनकी माताजी भी साथ थी, ठंड शाम में जब बढ़ी तो ठंड के समय भी कोई ब्लैंकेट वगैरह, कोई कंबल वगैरह नहीं दिया गया और वॉशरूम तक यूज़ नहीं करने दिया गया था। उसके बाद से ये खबरें आगे बढ़ गई थी कि डीएम साहब के घर के बाहर में डीएम साहब की जो पत्नी है उनको ही घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि उस वक्त जो है बताया जा रहा था कि डीएम धर्मेंद्र कुमार अपने घर पर नहीं है, वो छुट्टी पर हैं, सरकारी छुट्टी पर हैं। अब जो है आपको लाइव सिटीज वो पहला चैनल है जो कि इस खबर को बता रहा है कि जमुई की डीएम जो है वो अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर चुके हैं और ड्यूटी को ज्वाइन करने के बाद अब उनकी पत्नी जो है वत्सला सिंह को पटना में इस बात का इंतजार है कि जो वायदा, जो आश्वासन जो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था वो वायदा जो है, वो आश्वासन अब जो है वहाँ का जिला प्रशासन पूरा करे और वत्सला सिंह को पटना से बुला करके डीएम धर्मेंद्र कुमार से फेस टू फेस जो है एक 1-to-1 करवाए, जो सामने बैठ के संवाद होता है वो संवाद कराए। तड़ी पार तो खैर उस दिन जिला प्रशासन ने कर ही दिया था, उस दिन जो है जो सुमित सिंह है, नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और ये इन सारी चीज़ों में, चीज़ों को सामान्य करने में उनकी भी भूमिका थी। अब जो है एक बड़ा सवाल लाइव सिटीज अपने पटना न्यूज रूम से उठा रहा है कि जमुई का जिला प्रशासन कब जगेगा, जमुई का जिला प्रशासन कब अपने वायदों पर खरा उतरेगा, कब अपने उस आश्वासन को पूरा करेगा जो कि उसने अपने जिलाधिकारी की पत्नी को तब दिया था जब वो एक तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए, मिलने के लिए, बात करने के लिए अपने पति के सरकारी आवास पर पहुंची थी। तो लाइव सिटीज के न्यूज रूम से इस पल की बड़ी खबर यह है कि पिछले दो दिन
से धर्मेंद्र सिंह जो हैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं जमुई के जिलाधिकारी, और उनकी पत्नी वत्सला सिंह को इंतजार है कि कब जमुई का जिला प्रशासन उन्हें बुलावा भेजता है और अपने पति यानी कि जमुई के डीएम साहब से उनका 1-to-1 उनका जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, जो संवाद होता है, वो कराता है। चलते चलते हम लाइव सिटीज पे आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जो कि केवल कुछ दिनों पहले का है, जब वत्सला जो है सार्वजनिक तौर पर अपने पति यानी कि जमुई के डीएम साहब से खुल करके माफी मांग रही हैं, झुकने को तैयार हैं और कहीं ना कहीं साथ रखने की विनती भी कर रही हैं। देखिए वो वीडियो जिसमें कि वत्सला जो है अपने पति से वो क्या गुहार लगा रही हैं। नहीं, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज जो भी डिफरेंसेस हैं वो प्लीज़ सॉर्ट आउट हो सकती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, प्लीज़ सॉर्ट आउट करिए। और ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, प्लीज़ एक बार मिलिए, बात करिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक सबको एक चांस मिलना चाहिए टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, प्लीज़ आई जस्ट रिक्वेस्ट कि समझिए। अभिषेक चंद्रा, लाइव सिटीज़, पटना।